नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। देश में अनलॉक वन लागू हो गया है। इसके तहत देश में धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म करने की तैयारी की जा रही है, यानी कि एग्जिट प्लान तैयार है। लेकिन कोरोना को लेकर राज्य सरकारों की तनातनी दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव में काम करने वालों पर भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की सभी सीमाएं सील करने का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल को अंदेशा इस बात का सताने लगा है कि दिल्ली के अस्पतालों में बाहरी मरीजों के आने से दिल्ली पर संकट और ज्यादा बढ़ सकता है, भार और ज्यादा बढ़ सकता है। लिहाजा दिल्ली के सभी बॉर्डरों को 7 दिनों के लिए, यानी कि 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। सरकार के इस फरमान के बाद दिल्ली की सीमाओं पर आज काफी लंबा जाम देखने को मिला। दफ्तर आने जाने वालों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। देखिए, देश अनलॉक, दिल्ली बॉर्डर लॉक, सीमा पर सख्त हुए सीएम। 1 हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। दिल्ली के सारे बॉर्डर बंद, सरकार का फरमान, दिल्ली के बॉर्डर्स पर लगा लंबा जाम। जी हां, 68 दिनों के लॉकडाउन के बाद देश में अनलॉक वन की शुरुआत हो चुकी है। केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के बाद तमाम राज्य सरकारों ने भी अपने अपने सूबे में अनलॉक वन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए। केंद्र सरकार ने तो गाइडलाइंस जारी की है, साथ ही अपने गाइडलाइंस में राज्यों को भी फैसले लेने का पूरा अधिकार दिया गया है। राज्य सरकारों को छूट दी गई है कि वे अपने सूबे में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए तय करें कि वो अपने यहां क्या खोलें और क्या बंद रखें। इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने भी एक बड़ा फैसला किया। फैसला ये कि दिल्ली के सारे बॉर्डरों को सील कर दिया जाए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली के सारे बॉर्डरों को 7 दिनों के लिए सील किया जाता है। 1 हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे, पास लेकर आया जाया जा सकेगा। तो फिलहाल 1 हफ्ते के लिए हम अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं। उसके बाद जो सुझाव आएंगे, जो आप मार्गदर्शन करेंगे, जो आप जैसा कहेंगे, सभी के सुझावों के आधार के ऊपर हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, उसके आधार पर अगले हफ्ते फिर इसके बारे में एक ठोस निर्णय ले पाएंगे। सीएम केजरीवाल के इस बयान के बाद बॉर्डर पर मानो कोहराम मच गया। लॉकडाउन को जब देश भर में अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ऐसे में दिल्ली सरकार के इस फरमान ने दिल्ली एनसीआर में काम करने वालों को मुश्किल में डाल दिया। सीमा सील होने के बाद दिल्ली के बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। दिल्ली गुरुग्राम का बॉर्डर हो या फिर दिल्ली गाजियाबाद का बॉर्डर, दिल्ली नोएडा की सीमा हो या फिर डीएनडी फ्लाईओवर, हर जगह कई कई किलोमीटर तक लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये तस्वीरें दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली डीएनडी फ्लाईओवर की है, जहां सीमा सील होने की वजह से तकरीबन 5 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। ये नजारा है डीएनडी फ्लाईओवर का। ये फ्लाईओवर है जो दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली को जोड़ती है, और आप देखिए करीब 5 किलोमीटर का लंबा जाम, यानी डीएनडी फ्लाईओवर पूरी तरह से पैक है, पूरी तरह से जाम आप कह सकते हैं, क्योंकि जिनके पास वैलिड पास है उन्हीं यहां पर एंट्री दिया जा रहा है। जो लोग ड्यूटी करने के लिए नोएडा जा रहे हैं उन्हें खासे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नोएडा से जो लोग दिल्ली आ रहे हैं उन्हें भी, उनकी भी चेकिंग यहां पर की जा रही है। बिना ई पास के जरिए जाने नहीं दिया जा रहा है, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर रुका क्यों जा रहा है, क्योंकि ड्यूटी आवर यहाँ पर है और लंबा जाम आप देखिए। सिक्योरिटी यहाँ पर है, जिन लोगों के पास नहीं जाने दिया जा रहा है। दरअसल बॉर्डर सील होने के बाद सिर्फ उन्हीं लोगों को आने जाने की इजाजत मिल रही है जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं या जिनके पास ई पास है। लेकिन केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक दिल्ली और नोएडा की तमाम सरकारी और निजी ऑफिसेस खोल दिए गए हैं। ऐसे में जिन्हें नोएडा या फिर दिल्ली नौकरी करने जाना था उन्हें बॉर्डरों पर रोक दिया गया। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, डीएनडी फ्लाईओवर की है जो कि दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली को जोड़ती है। ये आपको जाने नहीं दिया जा रहा? नहीं जाने दिया जा रहा, बोले डीएम का जो है पास दिखाइए जब भी आपको जाने दिया जाएगा। और हमें जो है मतलब कंपनी से इन्फॉर्मेशन आ गई है कि आपको रिपोर्ट करना है। अब जब हम वहाँ पे जाएंगे नहीं तो रिपोर्ट कैसे करेंगे? आपको कहाँ जाना था? ये तो नोएडा सेक्टर 135 जाना था। हमारी कंपनी ने बोल दिया है कि जब आप अटेंडेंस तमाम ऐसे जो लोग हैं जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, जो रोजाना जाते हैं, जो बाइक सवार हैं,
आप देखिए गाड़ी की दूर दूर तक देखिए भीड़ है, लंबा यहाँ पर जाम लग गया है। क्या बोला जा रहा? वो कह रहे बिना पास के जाने नहीं देंगे। आपकी इस बात की जानकारी पहले से नहीं थी? पहले तो नहीं थी, अब देखता हूँ पास बनवा लूँ कहीं से। हमारे साथ संतोष मौजूद है बात करने के लिए, जो कि नोएडा में रहते हैं और रोजाना दिल्ली जाते हैं, फिर दिल्ली से नोएडा आते हैं, लेकिन आज दिल्ली नहीं जा पाए हैं, रास्ते से ही उन्हें वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि बॉर्डर सील और बिना पास धारक को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। बात करते हैं संतोष, कितनी परेशानी हो रही है? सर बहुत परेशानी है, एक तो आप एक तरफ सील भी है एक तरफ खोल भी रहे हैं, अगर ये DND बंद है तो आप उधर से जा सकते हो 62 से, दिल्ली से अगर 62 होते हुए जाओ नोएडा में आ सकते हो कहीं से भी। अगर इस तरह से अगर बंद होने के बाद अगर कोरोना रुक रही है उधर खुल रहे है तो कैसे पता लगेगा उधर से आदमी जा रहे है? कंफ्यूजन बहुत सारा, कंफ्यूजन तो है ही बहुत ज्यादा। यही नहीं, इस जाम ने लोगों के इस कदर पसीने छुड़ाए कि वो परेशान हो गए। D&D फ्लाईओवर पर कई ऐसे लोग फंस गए जिन्हें टाइम पर ऑफिस पहुंचना था लेकिन वे कई घंटे तक जाम में ही फंसे रहे। कुछ ऐसे भी फैमिली हैं जो कि खासे परेशान है, पिछले 2 घंटे से जाम में परेशान है। क्या नाम था आपका? अपनी वाइफ को ऑफिस छोड़ने जा रहा हूँ, जबरदस्ती ऑफिस से बुलाया जा रहा है। हम छोटे बच्चे को घर छोड़ के आए हैं, नहीं तो कह रहे हैं जॉब छूट जाएगी। अब हम तो वैसे भी परेशान हो गए हैं कि बच्चा घर पे अकेला है, बच्चा घर पे अकेला है। पहले गौतम बुद्ध नगर की तरफ से आने लग गए, वहाँ पे एक घंटा। मैडम इसके बारे में कोई जानकारी आपको पहले से नहीं थी क्या? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, बोले कि बॉर्डर ओपन हो गया है, आप लोग आ जाइए। ऑफिस से क्या, ऑफिस से फोन आ रहा होगा आपको? ऑफिस से कॉल आ रहा है, वो कह रहे हैं जॉब छोड़ दीजिए या फिर आपको आना पड़ेगा। और हम बच्चे को छोड़ के आए हैं, उन्होंने कहा सारे ऑफिस खुल गए हैं और बॉर्डर खुले हुए हैं, सब आ रहे हैं, आपको भी आना है। बिल्कुल, ये वो कपल है जो पिछले 2 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। गाड़ियां आप देख सकते हैं कि रेंग रेंग कर गाड़ियां यहां पर चल रही है और इनकी तकलीफें इस बात की है कि अगर ये ड्यूटी पर नहीं जाएंगे तो ऑफिस से कहा जा रहा है कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा।